السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون الله يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الرقيب الكريم. نحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هذا توفيق من طرف شيخ الرسالة في فرمان اور صبح جان کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان والی آواز محترم سے کا بڑا مصاب لے کر انتہائی کو صبح حضرت کے ساتھ مدی قضا کی جان لو لو اور موضوع آئے نامدار مدینے کے باجناب اور پوری کو یہ بنو صاحب جناب رحمت نے کچھ کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسم اللہ میں درود و سلام پر زمین شکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسم اللہ میں درود و سلام پر زمین شکر صلی اللہ نہ دینی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ
तुम्हें नुकसान कर सकता है, लिहाजा तुम बीमार हो तो तुम्हें शिफा दे सकता है, कहीं तुम्हें रोजी दे सकता है, कहीं तुम्हें जिंदगी दे सकता है, कहीं तुम्हें मौत दे सकता है, ये किसी चीज में इख्तियार नहीं करता। पर जो इसे ये चलने फिरने खाने और आवाज कर देंगे या फिर बस उनकी आवाज ही कर देंगे, इसके अंदर है ही क्या? तो तुम्हारे हाथों पर पत्थर भी पड़ गए कि तुमने एक ऐसे बछड़े को खुदा समझ लिया, मारूफ समझ लिया, इनाम समझ लिया, उसमें उलूहियत को मान लिया कि जो खुद अपने आप की भी कदर नहीं रखता। जानवरों में भी बैल जो है वो बेवकूफ शुमार होता है। देखे बैल को वो यूं की जानवर दीगर जानवरों की बनस्बत अगर उसका मुआवजा किया जाए तो बैल उनकी बनस्बत जो है बेवकूफी शुमार होता है। तो लिहाजा के ऐसे बछड़े को तुम पूछ रहे थे, उसे खुदा इलाज समझ रहे थे, उसको तुमने महबूब मान लिया, तुमको इससे कबल इससे बड़े बड़े दहशतनाक वाकियात दे चुके हो कि तुमने इससे पहले जादूगरों की हस्तियां नहीं देखी। जादूगरों ने जब अपनी हस्तियां मूसा के मुकाबले मैदान में देखी तो उन्होंने साफ कर दी, उस वक्त तुम्हारा ईमान नहीं रख पाया, उस वक्त तुम्हारे नजर तुम जादूगरों को खुदा इलाज नहीं समझा, उन सांपों को तुमने खुदा इलाज नहीं समझा, फिरौन ने तुमने क्या कुछ नहीं दिखाया, लिहाजा उस वक्त भी तुमने उसको सजदा नहीं किया, उन पर जुल्म और सितम किए गए तब भी तुमने सजदे नहीं किए, यहां तक कि मूसा अलैहि सलाम और सलाम का मुजजा भी तुमने देखा कि किस तरह उनकी लाठी अज़ा पर गई, उस वक्त भी तुम उस अज़े पर ईमान नहीं लाए। तो ऐसे दहशतनाक वाकियात और मुजजा ये देख कर भी जब तुम लोग ईमान से नहीं गिरे तो आज तुम्हारी अक्लों पर क्या पत्थर पड़ गया कि तुम सिर्फ एक बछड़े में जान पड़ जाने की वजह से उसे खुदा समझ बैठे, उसे महबूब और इलाज समझ बैठे। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के जाने का चूंकि आलोचना पाए थे तो उन्होंने उन्हें समझाया कि अरे मेरी कौम इस एक छोटी सी चीज को देकर, एक अदना सा इस्तदराज को देकर तुम इस पर भरोसा मत हो जाओ, तुम इसे खुदा और महबूब मत समझो, इसमें जान का पड़ जाना तुम्हारा इम्तिहान है कि रब की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है कि कौन इस वक्त साबित कदम रहता है और कौन इस वक्त गिर जाता है। तुम इसके सबक आजमाए जा रहे हो, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, लिहाजा मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ उस पर मेरे हुक्म पर अमल करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम इस बछड़े की परस्तिश करोगे, सामने की बात मानोगे तो फिर तुम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाओ। तो हारून अलैहि सलाम ने उन लोगों को भी अच्छी तरह से ये बात समझा, लेकिन क्या किया जाए जिसकी अकल पर पत्थर ही पड़े हो और जिसकी तकदीर में यही नफसत लिखी हो। तो लिहाजा इसके बावजूद भी चूंकि हजरत हारून अलैहि सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज में उन्हें जो तो नसीहत की, बड़े प्यारे अंदाज में उनसे हारून अलैहि सलाम ने कहा कि दिन का की या क्या हो गया, कहते कि ऐ मेरी कौम इन नौकरी की तुम बीही तुम किसके जरिए आजमाए जा रहे, तुम्हारा ध्यान हो रहा है वो इन न रब तो रहमान, तुम्हारा रब वही रहमान है, तुम्हारा जो इलाह है जो माबूद है जो खुदा है वो रब है वो रहमान है, पत्थर भी उन्हीं लिहाजा मेरी इत्तेबा करो, आदमी 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 अपनी और जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उस पर आओ। बड़े प्यारे अंदाज में, मुश्किल अंदाज में, जैसे कोई एक अच्छा दोस्त किसी को समझाता है या बाप अपने बेटे को गलत राह पर जाते हुए देख उसे प्यार से समझाता है, तो अच्छे हाफिज सलाम ने कौम को बहुत प्यार से समझाया, मुश्किल बनकर के समझाया। हालांकि ये वो वक्त था कि हारून अलैहि सलाम को ऊपर खतरनाक होनी चाहिए था, हारून अलैहि सलाम को ऊपर जनाब करनी चाहिए था, और यहाँ पर हारून अलैहि सलाम बड़े प्यार से बड़ी शफ़क़त के साथ कौम को समझा रहे हैं कि देखो मेरी बात मानो, तुम आजमाए जा रहे हो, इस बछड़े की पूजा मत करो, तुम्हारा रब रब्बुल रहमान तुम्हारा रब रहमान। हालांकि ये बड़ा काम था कि जहां पर हारून अलैहि सलाम को कहना चाहिए था कि रब्बुल बहार व जब्बार, तुम्हारा रब बहार भी है जब्बार भी है, वो जबरदस्त मेरे दिमाग देने वाला है, जबरदस्त उसका अजाब भी है, आपने मुझे डराया नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत डर के फिर और तू भाग जाए। तबलीग का अंदाज देखो, तबलीग का तरीका देखो कि जो लोग रात से भटक चुके हैं, अरे हाउस की प्यार
मोहब्बत से उन्हें दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, रब की उन सिफात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जितने रब के कहने मसल का मामला है, बल्कि उन्हें रब की मेहनत याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा वो मेहमान है, अपनी वक्त है, तौबा कर लो और तुम्हें माफ कर दे। तो तभी कई अंदाज हुआ है। तो लिहाजा हारून अलैहि सलाम ने जब कौम से ये कहा तो कौम ने क्या जवाब दिया? रोका जब देखा कि वो गुमराही की तरफ जा रही है, तुमने कौम को क्यों नहीं रोका? तो लिहाजा मुद्दतीन ने जो है चूंकि वो मुद्दत हो चुके थे, बछड़े को पूछ करके उसमें गिना और उसको वापस मार करके वो मुद्दत हो चुके थे। और याद रखना मुद्दत सबसे बदतरीन मखलूक है कायनात, ये काफिर से ज्यादा बदतर है, क्योंकि काफिर तो वो है कि जिसने शुरू ही से खुदा के साथ कोई सिवात को नहीं मानी, लेकिन मुर्तद वो है के जो कलमा पढ़ के फिर वापस नाम से फिर गया। और मुर्तद के भी सबसे खतरनाक मुर्तद वो है कि जो कलमा भी पढ़े और कुफ्र नहीं करे, जैसे आजकल के बाहर के जो लोग ये मुर्तद मुजाहिद कहलाते थे, यानी कि एक तरफ अपने इस्लाम का ईमान का ढिंढोरा भी पीटते हैं हम मुसलमान है, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की शान है गुस्ताखी करके मुर्तद भी हो जाते। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वो मुर्तदीन ने हजरत हारून अलैहि सलाम से कहा कि हारून तुम्हारी नसीहत को ना और कोई असर नहीं होगा। अब हारून अलैहि सलाम को थे बड़े मेहरबान, वो थे हलीम मुर्तमान, तो चूंकि उन्होंने कौम को प्यार से शफ़क़त से मोहब्बत से समझाया, तो कहने लगे हारून तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा, हाँ हम तो यही बैठे रहेंगे, इसी बुत की हम पूजा करेंगे, इसी बछड़े को पूजेंगे उस वक्त तक जब तक के मूसा हमारे पास ना जाए। हाँ अगर मूसा हमारे पास आकर के हमसे कहे तो फिर हम उस पर सोचेंगे, हम देखेंगे तो बातें हो सकती है, या तो मूसा से नाम कराए तो हमारे सफर से खुश हो सकता है कि कहे कि हाँ वाकई में दूसरे तक क्यों में उधर घूम कर चले गए, वाकई यही होता है, यही इलाज जो तुम्हारे पास चला है हमें ऐसा हो गया तो हम तो कामयाब हो गए। मूसा इस्लाम तो हमें बार बार देंगे खुश कर मूसा शाबाशी देंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, और अगर मूसा ने तुम्हारी तरह कह दिया कि ये बछड़ा खुदा नहीं है, ये इलाज नहीं है, तो तौबा कर लेंगे, उसमें तो गर्व नहीं कर लेंगे। तो ये देखिए कौन की खाता है, एक तो हजरत हारून सलाम ने प्यार से समझा रहे हैं तो बजाय इसके कि उनकी नसीहत को मानते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से वादा कर चुके थे कि हर बार हारून अलैहिस्सलाम की मानेंगे, लेकिन पहले तो ये बात बोल दी आपकी बात नहीं माने, ऊपर से जो दलील उन्होंने रखी कि हम यही आशा वाले बैठे रहेंगे कि मूसा हमारे पास आए, तो दो बात, या तो मूसा अलैहिस्सलाम आ करके तस्दीक कर दे कि यहाँ बात सही है, इसकी पूजा करते रहो, तो फिर तो हमारा फायदा ही होगा, और अगर कह देंगे कि नहीं ये खुदा नहीं है तो फिर उस वक्त तौबा करने के बाद उन्होंने अपनी तौबा को टाला दिया। हालांकि उलमा फरमाते हैं कि इंसान को गुनाह के फौरन बाद तौबा कर लेनी चाहिए, जैसे ही उसको ये इल्म हो जाए कि मैंने जो काम किया है वो गुनाह है तो वो फौरन तौबा कर ले, इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई मौत नहीं है, क्या भरोसा कि अगली घड़ी तौबा से पहले मौत आ जाए और बगैर तौबा के तुम्हारा हाथ खा हो जाए। तो लिहाजा हजरत हारून सलाम ने जब कौम को समझाया तो कहते हैं कि दो बातें उन्हें हारून सलाम के सामने रखी, लिहाजा याद और मुफस्सरीन फरमाते हैं कि उन लोगों ने तीन तरह से उस मछले को पूछा, तीन तरह से, या तो जो उन्होंने कहा हम यही बैठे रहे इसी से बना एतिकाफ, यानी बैठना, एतिकाफ के रुकी माना होते हैं धरना देना, यानी किसी एक जगह पर जम जाना, किसी एक काम के लिए बैठ जाना कि जब तक ये काम नहीं होता मैं यहाँ से निकलूंगा। शर के एतबार से एतिकाफ कहते ही उस अमल को है कि जब बंदा मस्जिद में अल्लाह ताला के हुजूर किसी अमर के लिए बैठ जाए, बड़ा मैं तेरी बात ना मैं हाजिर आ चुका हूँ बस सिवाय आदत असलिया की अब कही नहीं जाए,
उसके नाम की तफसील में तो यहां साहब उन्होंने तीन तरह से उस मसले को पूछा, पहला इत्तेबाअ के जरिए, दूसरा तबाअ के जरिए, तीसरा सजदा के जरिए। उनका आदर यह हुआ कि वो उस मसले के सामने बैठ जाए आसमान दो सालों को करके बिल्कुल वार्ता वर्तन के साथ उसके सामने सुखबा इलाम आपूर्ति समझ करके उसके सामने एहतिकाम में बैठ जाए। अब हम यहां से हटेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। लिहाजा एक तो ये तरीका, दूसरा के उस खुद के किधर घूमते चक्कर लगा तलाश कर उस बचे के जब वो आवाज करता तो फिर उसने चाहे इतनी साल कर उसके सामने सजदा किया, तीन तरह से एहतिकाम भी किया, उसका तवाफ भी किया और उसको सजदा भी किया, ये तीन तरह से उन्होंने कुफ्र किया। और इस मसले को पूछा तो लिहाजा हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौट करके आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये जो अमल तुम कर रहे हो ये शिर्क है, ये कुफ्र है, चूंकि ये इस्लाम की बड़ी तीन अहम इबादतें कहता है इत्तेकाब तवाफ और सजदा। क्योंकि एहतिकाफ जो है ये मैं आगे दूंगा तवाफ और सजदा को समझू, तवाफ यानी घूमना। क्योंकि आजकल बहुत से जाहिल भी ऐसे निकल चुके हैं कि जो मुरीदों से सजदे भी करवाते हैं, अपनी खानकाओं के तवाफ भी करवाते हैं और अपने सामने उनको एहतिकाफ के जैसा बिठा कर भी रहते हैं। ऐसे जाहिल भी उसे ऐसे जाने बाबाओं से दूर रहे, क्योंकि ये इस्लाम की कोई अहम और मुकद्दस जो इबादतें की होती है। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर के जब उन लोगों को इस हालत में देखा मुकद्दीन को तो बह बसता और जब उनका बयान आपने सुना उन्होंने जवाब दिया कि हमारे साथ ऐसे संवाद है सामने ने ऐसा किया, तब हारून मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की तरफ गए और हारून अलैहिस्सलाम से जो है तो आपने मुआवजा किया और उनसे कहा कि ऐ हारून मैंने तुमको अपना नायक बना कर दिया था, मैंने तुमको यहाँ ठहरा कर के गया था कि मेरे पीछे कौम की इस्लाह करना, तो ये वक्त था कि जब तुम्हें कौम पर सख्ती करनी चाहिए थी तो तुम एक तरफ जा करके बैठ गए, तुम एक तरफ कोशा नहीं हो गए, तुम्हें तो इन्हें डालना चाहिए था, इन्हें सख्ती से रोकना चाहिए था, इन्हें मना करना चाहिए था। कौम इतना बड़ा अपमान कर रही थी, कौम शिर्क कर रही थी, इत्तेदाद पर मुबतला हो चुकी थी और तो एक तरफ बैठ करके इबादत में मशगूल हो गए, तुमने कौम को रोका नहीं, आखिर किस चीज ने तुम्हें रोका था, किस चीज ने तुम्हें मना किया, किस चीज ने तुम्हें इस बात से बाज रखा कि तुम कौम को रोको, कि तुम पर किसी का दबाव था, कि तुमको किसी चीज का डर था, कि तुम्हें किसी चीज का खौफ था, कर सके तुम इस कदर कमजोर क्यों पड़ गए। तो लिहाजा हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ जो तुझे के सवालात किए तो बाद में उसने मंदा कर कभी हाँ सवाल के आप मेरे पास चले क्यों नहीं आए, उसी वक्त मेरे पास आ जाते मुझे आकर के दूर पर खबर देते, तो लिहाजा कौम के लिए ये चीज ये जजर को ठीक होती, लेकिन जो है तुमने ऐसा नहीं किया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कहा या अबरुमा ला बाउस की हिबती बोला कि आसी इन्हीं नशेर अल कबूल और बरकता वहीं में बनी स्वाहीन वलम कर अपने को बोली हजरत हारून ने सलाम ने कहा कि मेरे भाई ऐ मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी के बाल पकड़ कर न खींचो और मुझे इन लोगों में शामिल मत करो, मैंने इन्हें बहुत समझाया, मैंने इन्हें बहुत नसीहत की कि तुम जो अमल कर रहे हो ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये गुनाह है, ये गलत है, तुम आजमाए जा रहे हो, तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, मैंने कौली तौर इन्हें बहुत समझाया। अब रहा सवाल कि मैंने इन पर सख्ती क्यों नहीं की, मैंने इनसे जो है तो जब गजबनाक होकर कलाम क्यों नहीं किया या मैंने इनसे जब क्यों नहीं की, तो उसकी वजह यह है कि मैं तुमसे डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में आकर मुझसे ये कहो कि हारून मैं तुझे कौम का खलीफा बनाया था तो तुमने मेरे पीछे कौम को लगा दिया, कौम में तो डीवर बना दिए, एक तरफ के आधे हो गए तो
मनुष्य कभी दूसरे को बोले तुमने कौम के अंदर जरूर जिहाद का माहौल पैदा कर दिया, लोग एक दूसरे से डर भरने लगे, मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, और दूसरे मेरे आने से पहले कौम के अंदर पूरे फितना को खड़ा कर दिया। इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से मैंने जो है ये शांति नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे जल कर ले जाऊं और कौम को इस सूबे पर जाऊं। लिहाजा जहां तक बात है इन्हें समझाने की, तो और एक और मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैंने अपना फर्ज मुनसबी अदा किया, मैंने ये बात समझाया, बहुत समझाया कि ये गलत है, ये गुनाह है, लेकिन चूंकि ये कौम मानने के लिए तैयार नहीं हुई, मैं मुझे डर था कि ये मुझे फर्ज अदा कर दे, क्योंकि ये मेरे मुखालिफ हो गए और ये ज्यादा तादाद में थे, इसलिए मुझे डर था कि कहीं ये मुझे फर्ज ना कर दे, इसलिए मैंने इन पर सख्ती नहीं की, मैंने इन्हें प्यार से समझाया। लिहाजा है मेरे भाई मेरी तारीफ पकड़कर जो तारीफ जो पर दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दो। या वो तस्वीर बनाते कि हजरत हारून अलैहि सलाम ने माजरत का जो लहजा इख्तियार किया, तो ये भी एक बड़ी आपकी आदत जैसी करार होती, इसलिए कि बनी इसराइल में बहुत से अनासुन नफ्स खबीसुन नफ्स किस्म के लोग मौजूद थे जो चाहते यही थे कि किसी तरह से बस फितना और फसाद की आग उधर दी जाए, किसी तरह से मूसा और हारून को आपस में लड़ा दिया जाए, क्योंकि हर कौम में ऐसे लोग थे जैसे कबर भी था जो चाहते यही है कि बस किसी ने किसी तरह शोषण छोड़ते रहो और कोई नया काम ना हो पाए, कोई नया झगड़ा शुरू फसाद शुरू हो जाए। तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि कौम में फसाद पर पाओ जाए, मूसा और हारून को आपस में लड़ाया जाए, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा इसी हरकत कर चुके थे। हजरत हारून अलैहि सलाम एक मरतबा किसी काम से बाहर तशरीफ ले, और जब कुछ दिनों के लिए वो लौट कर नहीं आए तो लोगों ने मशहूर कर दिया कि मूसा ने हारून को कत्ल कर दिया वहां और उसकी लाश को बेशुमार किया। लिहाजा ये बात उन्होंने मशहूर कर दी। जब हारून सलाम लौट करके आए तो उनके झूठ का पता पा चुका, तो हारून अलैहि सलाम की ये बात जहन में थी कि ऐसे लोग मौजूद है कि जो फितना फसाद की जब इनकी शहादत है कि हर दौर में होते हैं, हर दौर में ऐसे लोग होते हैं। जंग सिद्दीक की हुई थी, हजरत मौला अली का कोई करीब और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान ये जंग, इसकी मैं मुख्तसर से आपके सामने रखूं। वैसे इसका असल मुद्दा था जब हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला शहीद कर दिए गए, तो उस वक्त बाद साहब इकराम को ये कहना था कि हजरत अली को चाहिए कि वो हजरत उस्मान अली के पार्टियों से बदला है, जो कि अपनी जगह सही थी, और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का अपनी जगह पर सही थे। वो ये कह रहे थे मैं बदले लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तरकीब तो हो ले कि वो कौन है। अब बात इसी में थी, लिहाजा इसी में दो के उठे कि कुछ लोग मौला अली की तरफ हो गए, और बात जब ये मसला हजरत आयशा के पास पहुंचे सैयदा के पास, तो बात आपकी तरफ हो गई। अब इसी में मालिका पढ़ता रहा जन बात ये वो जन करके चली, लिहाजा दोनों के उनके दरमियान जंग होने वाली। अब मुनाफिकों को तो बस मौका चाहिए कि मुसलमानों को किस तरह से लड़ाया जाए, उनके सामने दो हिस्सों में बढ़ चुके, आधे मौला अली की तरफ थे और आधे सैयदा आयशा की तरफ थे, और दोनों इतनी जगह हक पर। हालांकि अब मुनाफिकों ने देखा कि अब ये जंग होगी और इस्लाम ने बड़ा तपेला कर लिया, मौला अली हुजूर के दामाद और सैयदा आयशा हुजूर की ज़ौजा दोनों हुजूर के दरबार के पर पड़ा, दोनों ने ये सोचा कि मौला अली ने अपने साथियों से कहा कि हजरत आयशा जो है कि हुजूर की ज़ौजा हुजूर की महबूब भी थी, जब तक वो जंग की शुरुआत नहीं करेगी मैं जंग नहीं करूँगी। और सैयदा आयशा फरमाती है कि हजरत अली हुजूर के दामाद है, चचा साहब भी है, जब तक अली जंग की शुरुआत नहीं करेंगे मैं हुक्म ना दूंगी जंग करने का। अब जब मुनाफिकों ने देखा कि बात यही पर रुक जाएगी और जंग होगी ही नहीं, जंग को करवानी है, मुसलमानों को लड़ाना है, तो मुनाफिक दो गिरोह में बैठे और आधे इधर गए आधे उतर गए, और दोनों एक साथ
बात की जाए, मौला अली समझे कि हजरत आयशा ने जल्दी शुरुआत कर दी और सैयदा आयशा समझी कि मौला अली ने जल्दी शुरुआत कर दी और इस सारे को उसके दरमियान कई साहब उसके अंदर शहीद हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे शरीर किस्म के लोग होते हैं जो चाहते यही है कि कौन में फितना और फसाद होता है। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला करबला में पहुंचे और इब्ने ज़ियाद ने जब आप पर पानी बंद कर दिया और आपकी तरफ उसने ये भेजा कि आप क्या तो यजीद की बैत करने लगे हो कि इंतजार हो जाए, और इस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला तीन बातें लिखकर इब्ने ज़ियाद को भेजे जो बिल्कुल सुलह पर मबनी। आपने पहली बात की थी कि मैं जहाज से आया हूँ मुझे वहां वापस चले जाना या फिर मुझे छोड़कर मैं किसी और जगह पर चला जाऊंगा अपनी जिंदगी को गुजार दूंगा, या तीसरी बात यह कि मुझे तुम खुद अपने साथ भविष्य लेकर के चलो, मैं यजीद से बात करके अपना मामला ऐसे ही हल करूंगा जैसे मेरे भाई हसन ने मामला से हल कर लिया। जब ये तीनों बातें लिख करके इब्ने ज़ियाद की तरफ भेजी, इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि ये तो बिल्कुल सुना वाली बात है, इस तरह की जल्द होगी नहीं, मसला आसानी से हल हो जाएगा, वो खुश हुआ। लेकिन शिवर पर वक्त का मौजूद था, शिवर यही चाहता था कि जंग हो, इमाम हुसैन शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए मामला, लिहाजा उसने इब्ने ज़ियाद को भड़काया और कहने लगा इब्ने ज़ियाद की तो तेरी कमजोरी होगी, अगर तू हुसैन की हिंदू बात मान लेगा और उनकी बात पर अमल कर लेगा, उनके मशवरे पर अमल कर लेगा तो इस तरह का तेरी जमीन में आकर तो तुझ पर गलबा पाकर चले जाएंगे, जबकि आज गलबा तुझे हासिल है, होना तो ये चाहिए कि जमीन तेरी है और यहाँ हुकूमत तेरी चलती है, तुझे ये चाहिए कि तू हुसैन से जो है ये बात इकरार करवा ले कि वो यजीद की बैत कर ले या अपनी जंग के लिए तैयार हो जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को भड़काया, लिहाजा के महकाने से फिर इब्ने ज़ियाद की मेरी बात लेकर के पीछे। तो पहले हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं तो यहाँ पर भी हजरत हारून सलाम जानते थे कि ऐसे लोग मौजूद हैं, इसलिए आपने माजरत का बड़ा खूबसूरत तरीका लिखा और अपने भाई से कहा कि मेरे भाई मेरी काफी पकड़ करके न खींचो, अरे मेरी माँ के बेटे मुझे इस तरह से सबके सामने जो है तो हंसने का मौका ना तो कुछ पा, कई लोग ये ना कहते देखो दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, लिहाजा आपका मामूसा सुनने के बाद मूसा अलैहि सलाम जो है तो अब आपका जलाल करो, तो आप में उसको तीन लोगों से साजिश कर रहे, सबसे पहले कौन से आपने पूछा, कौन ने अपनी सफाई पेश कर, फिर आपने हारून अलैहि सलाम से पूछा, हारून अलैहि सलाम ने अपनी सफाई पेश कर, अब बचा था सामरी, अब सामरी से क्या हुआ उनको इशारा में सुहा के हाजिर हो, यहाँ पर चंद बातें हैं उसको समझ लो कि हजरत मूसा अलैहि सलाम जब लौट करके आए और देखा कि कौम जो है खुद परस्ती में मुबतला, तो बाप ने अपने भाई जो है तो हारून अलैहि सलाम से जो है इस बारे में साजिश की और फिर कौम से भी कहा कि तुम कैसे उम्र किस्म के लोग इस बछड़े को तुमने जो है तो खुदा समझ लिया, इसे मामूद और मीरा समझ लिया, यहाँ ये कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत सबसे अहम चीज, कभी कभी दलीलें मांग में पड़ जाती है, इंसान के सामने लाख दलीलें पेश कर दो लेकिन अगर उसकी नसीब में हिदायत ना हो तो फिर हजारों दलील देने के बाद भी वो उसे रद्द कर देगा, लेकिन जिसकी नसीब में हिदायत अल्लाह ने लिखी है एक दलील में उसके सामने रख दो तो वो उसे कबूल कर दे। हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिस वक्त फिरौन के जादूगरों से मुकाबला हुआ और उन्होंने एक ही दलील देखी मूसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम ने जब अपना आसा जमीन पर डाला वो असवा बन गया तो फिरौन के जादूगर उसी एक दलील को देखकर उनकी तकदीर में अल्लाह ने हिदायत लिखी थी उसी एक दलील को देखकर जब वो ईमान लाए तो ऐसा करम अल्लाह का हुआ कि उनको ईमान की दौलत भी मिली, सब्र भी, शुक्र भी, सहाबियत भी, यहाँ तक के और साथी भी मिल शहीद भी। उसी एक मजलिस के अंदर वो लोग जो तो मोमिन भी हो गए साहबी भी हो गए और ऐसे साहबी और शाकिर हुए कि शहीद कर दिए गए शहादत के मरतबे पर पाए गए। लेकिन बनी इसराइल जिन्होंने 13 बजे से मूसा अलैहि सलाम के थे फिरौन के जादूगरों ने तो एक मोजज़ा देखा था, ये जो तुमने एक मोजज़ा देखा था कि वो हजरा साफ बना था सुबह ने पी था, लेकिन बनी इसराइल 13 बजे से देख
जिन पर जिक्र हो चुका है पीछे 13 रोजे से वो तैयार चुके थे मूसा अलैहि सलाम के, एक के बाद एक कसम खाता रहा और टलता रहा, वो सब कुछ उन्होंने देखा। लेकिन देखिए कि तकदीर ने उन्हें कैसे नवाज माया कि जिस वक्त उन्होंने ये चीज देखी कि बछड़े के अंदर जान पड़ रही उसे वो पाले पड़ो और जो उस बछड़े को जो जो कुछ है असल अल्लाह की तरफ से हिदायत का मिला हुआ है। दूसरा ये कि एतिकाफ क्या, इसके बारे में किसी फरमाते हैं कि एतिकाफ में बैठना भी इबादत है, लिहाजा अल्लाह ताला के सिवा जिस तरह किसी को सजदा करना हराम है इसी तरह गैरुल्लाह के लिए एतिकाफ के लिए बैठना, उसके एतिकाफ करना, एतिकाफ की मुन्नत मारना, ये सब हराम है और ये शिर्क के तारीफ में भी आता है। चूंकि मैंने कहा कि एतिकाफ तवाफ और सज ये तीन चीजें, पहले एतिकाफ को समझ लें कि एतिकाफ जो है वो किसी के सामने बैठना, जैसे कि मुमिन मुसलमान का जो एतिकाफ होता है वो सिर्फ मस्जिद में होता है अल्लाह के लिए, मस्जिद के अलावा बाहर एतिकाफ नहीं हो सकता। अगर कोई किसी पीर की खानकाह में बैठकर के एतिकाफ करे तो उसका एतिकाफ सही नहीं, अगर किसी गैरुल्लाह के लिए एतिकाफ की नियत करे तो फिर उसके ऊपर पैमाने शिर्क का होता है, क्योंकि एतिकाफ खालिस इबादत है अल्लाह, किसी गैर के लिए एतिकाफ करना और उसके लिए बैठना ये जो है तो शिर्क है। बाज वो जाहिल पीर जो अपने मुरीदों को अपनी खानकाहों में एतिकाफ की नियत से बैठाते फैलाते हैं और अपने सामने बैठाकर वो जो एतिकाफ की नियत से बैठाकर वाके निकालते हैं वो बिल्कुल हराम। जो पीर अपने मुरीदों को तबाह करवाते हैं अपनी खानकाहों का वो जो है हराम काम करवाते हैं, अगर उसे माबूद और इलाह समझ कर किया तब तो शिर्क किया और खुदा ना समझ कर भी किया तब भी हराम का काम का मतलब नहीं हुआ। जैसे सजदा के सजदा खालिस अल्लाह के लिए, अगर सजदे इबादत अल्लाह के गैर को किया तो शिर्क किया और सजदे का जिक्र किया तो हराम का। तो ये तीनों बड़ी इस्लाम की अहम इबादत है, तो लिहाजा इस में जो है तो उन्होंने यही शिर्क किया कि गैर के आगे वो आसन मार कर बैठे, एतिकाफ भी किया, उसका तवाफ भी किया और उसको सजदा भी किया, इसलिए वो लोग मुशरिक हुए। लिहाजा अगर कोई जाहिलीन ऐसा मुरीद से करवाता है तो उलमा फरमाते हैं कि वो मिसले जो तो सामरी के और उसकी ऐसी खानका उस बछड़े की तरह है और उसको पूछने वाले वैसे ही जाहिल बनी साहिब की तरह। लिहाजा ये तीन चीजें बड़ी अहम है, इस्लाम की बड़ी अहम इबादत है, लिहाजा अपने सर को सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकाओ, सिर्फ उसी का इत्तेबाअ करो और उसी के काबे का तवाफ करो, ये खास इबादत है अल्लाह की। तो लिहाजा ऐसा पीर गुमराह है और ऐसी कौम की बड़ी जानिब है, तो लिहाजा एक चीज ये भी समझे कि अल्लाह के लिए नजर करना ये सवाब का मुर्तकिब, सवाब का हामिल। और जैसे कि मूसा अलैहि सलाम ने जो वजन किया उस वक्त जो गुस्सा आया कौम पर वो खालिस अल्लाह के लिए था, कौम का शीत देख करके आपको नजर आया था, उस वक्त जो आपने हारून अलैहि सलाम की दाढ़ी पकड़ करके खींची और आपके बाल पकड़ करके खींचे और जो तौरात की तख्ती आपके हाथों से ली, चूंकि ये उसी हालत में गजब में हुआ तो इसलिए वो बाप है, इसलिए गुस्सा अल्लाह के लिए था। अगर इंसान को गुस्सा अपनी जात के लिए आए और उस गुस्से में उसने ऐसी हरकत करे तो फिर वो माफ नहीं हो। लिहाजा एक चीज के आपने हारून अलैहि सलाम की दाढ़ी पकड़ कर देखी है, अब इसे भी समझ लें कि दाढ़ी अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम होती, चार उंगल से कम होती हारून अलैहि सलाम की तो वो मुट्ठी में नहीं पकड़ लिया जाता। कुरान कह रहा है कि आपने उनकी दाढ़ी पकड़ करके खींची। आज जो लोग खसखसी आने लगते हैं जो लोग दाढ़ियां बनाते हैं अरे दाढ़ी से तो सुन्नत है, तो याद रखे दाढ़ी ये रखना वाजिब है और सुन्नत मुतवातिरा से साबित है। सुन्नत मुतवातिरा वो सुन्नत के जो हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर के हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों ने उस पर अमल किया, तमाम नबियों ने एक मुश्त दाढ़ी रखी, चार उम्मत के बराबर हर नबी की दाढ़ी रखी, उससे कम किसी नबी की दाढ़ी नहीं थी। आज जो लोग एक मुश्त से कम रखते हैं और इमाम फरमाते हैं कि एक मुश्त से दाढ़ी कम रखना ये भी खराब, इसलिए कि ये दाढ़ी की तौहीद है। जो
जो लोग ताली बुनाते हैं ताली बाजी को ताजी है फरमाते इसलिए कि ताली शियारे इस्लाम से और शियारे इस्लाम की तौहीन करना उसे काट कर फेंकना उसे हद शरा से कम रखना आज नई नई फैशन के जो फैशन चले ताली में ताली रखने के लिए एक से एक फैशन निकल गए उलमा फरमाते हैं कि सब हराम है इसलिए कि ताली की तौहीन ताली जो है ये वाजिब तासीम है फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस का जिक्र दो मकाम पर किया इससे पहले मैंने जिक्र किया सूरह आराफ में जब अल्लाह ने किसी वाक्य का जिक्र किया तो वहां अलग से यह फरमाया कि मूसा ने हारून के बाल पकड़ कर लिए तो वहां सर के बाल अल्लाह ने जिक्र किया लेकिन यहाँ पर सूरह ताह के अंदर जो है वो दाढ़ी और बाल दोनों का जिक्र आया ऐसा कि वहां सिर्फ सर के बाल और यहाँ दाढ़ी और सर के बाल दोनों का जिक्र इसकी वजह समझ वहां पर अल्लाह ताला ने मूसा के सलाम का कौन नकल किया उनका फेल नकल किया सूरह अहराम में जो वाक्य हुआ वहां अल्लाह ताला ने मूसा के सलाम के उस वाक्य को नकल किया कि जब मूसा कौम में आए और उन्होंने कौम की हालत को देखा तो उस वक्त अपने भाई के बाल पकड़ कर दिखी थी तो किस लिए
बात फरमाई, उसका एक जवाब ये भी दिया ताकि कौम को इससे नसीहत हासिल, और कौम ये जाने कि जब हारून अलैहि सलाम के साथ ये मामला हो रहा है तो न जाने फिर हमारे साथ जो है तो ये क्या कुछ मामला हो सकता है। बास औकात जो है तो कभी कभी एक मिसाल समझे कि अगर कोई मुदर्रिस है और उसने बच्चों के दरमियान किसी एक को मॉनिटर बनाया और दीगर बच्चों को शरारत, अब इसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि उनको रोके लेकिन वो ना माने, अब जब उस्ताद आएगा तो पहले जो तो कुछ शामिल से पूछे उस मॉनिटर से पूछा जाएगा कि तुमने इनको रोका क्यों नहीं, इनको मना क्यों नहीं किया, इन्होंने ऐसा काम किया ये गलत हरकत की, इस पर तुमको देखो उनसे पहले उस मॉनिटर की खबर दी जाएगी। हालांकि उसने उनको रोका, उसने वो काम नहीं किया और उनको मना किया, लेकिन बाद में उस्ताद ने ये अमल उन शागिर्दों के लिए होता है कि जब मॉनिटर के साथ भी हो रहा है इसने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ किया, और यही चीज उनको जो है तो फिर माफी की तरफ जो लेकर के आती है। यही हुआ कि जब यहाँ दो फायदे हुए, एक तो ये कि हारून सलाम को जो सख्ती की गई तो हारून सलाम ने सारी हकीकत बयान की और कौम का जुर्म दुगना साबित हो गया, अब कौम पर दुगना जुर्म हुआ, ऐसे एक तो जुर्म किया उन पर से लेकर दूसरा हारून सलाम ने उसकी गवाही दे दी, लिहाजा मूसा अलैहि सलाम की तहकीक और तफ्तीश अदालती तहकीक ताकि उनका जुर्म साबित हो जाए, उनका गवाह मौजूद हो, और दूसरा ये कि हारून सलाम पर सख्ती करने से कौम को ये नसीहत हुई कि कौम तौबा की तरफ आगे हो, कौम ने जो है मूसा अलैहि सलाम की बारगाह में अपनी सारी बात पेश कर दी और कहने लगे मूसा अलैहि सलाम अब जो सजा आप देंगे उसके लिए तैयार, उन्होंने अपनी बर्दर ले चुका थी वो तौबा के लिए जो राजी हो गए। तो लिहाजा इसलिए कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कौम हारून अलैहि सलाम को जब एक आखिरी चीज के यहाँ पर जब आ गया कि हजरत कौम से कि कौम के सर में बेवकूफ हो गई कि एक बछड़े में जिंदगी के आसार देख करके उसको जब सजदा कर बैठी, उसको पूछ बैठी, उसकी वो गंदगी कर बैठी, यहां से एक सबक हमें लेना चाहिए कि हमारा भी हाल कुछ इसी तरह से हो चुका है कि हम इस दुनिया की रंगीनियों को देख कर इस पर फारिगा हो चुके। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया कि ये जो बच्चा जिसको तुम पूछ रहे हो ये तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकता, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये जाती तौर पर कोई इख्तियार नहीं रखता, लिहाजा यही हाल आज इस उम्मत का है कि हुजूर के नाइबी और हमारे नाम कौम को बारहा समझाते आ रहे कि इस दुनिया मस्ती को छोड़ दो, ये दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, इसके इसके जाहिर में न तुम्हारे लिए जाहिर इससे जज्बाती तौर पर नहीं तुम्हें फायदा दे सकती है न नुकसान दे सकती है, अलबत्ता ये दुनिया क्या है आकर इस नाम के मानते हैं कि इस दुनिया की हकीकत इतनी है कि अल्लाह अल्लाह खुद फरमाता है जिसे कुर्सी में वसूल न करते हैं कि अल्लाह इशाद फरमाता है कि अगर इस दुनिया की अहमियत मेरे नजदीक एक मच्छर के पड़ के बराबर की होती तो मैं काफी को एक भूत पानी भी अदा करता, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। और आज लोग इस दुनिया पर पारे तो हो रहे वो बछड़े को देख करके उस बछड़े ने जिंदगी के आसार देख करके उस पर भारेफा हो गए उसे सजा कर बैठे, यहाँ लोग दुनिया की रंगीनियों को देख करके दुनिया की दिखने फैशन को देख करके उस पर भारेफा हो चुके हैं और जैसे उन्होंने हारून सलाम की बात नहीं मानी आज कौन अपने अलमा की और कुरान की और उसने जिन चीजों को न्याय ठहरा कर लिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, ऐसे ही फारिगा हो चुके जैसे कौम ने कहा था कि अरे हारून सुन लो हम तो इसी के सामने आसन मारे बैठे रहेंगे जब तक मूसा आकर हमसे ना कहे कि तुम लोग सही हो या गलत हो। आज कौम का यही हाल हो चुका है कि वो किस तरह से दुनिया परस्ती में फैशन में मुबतला हो चुके वो या वो ख्याल करते हैं कि अब कोई पैगंबर आए कोई और आए या हुजूर खुद आकर के ख्वाब में आकर के या आकर के हमें ये बताए कि ये जो अमल तुम कर रहे हो ये जो दुनिया परस्ती कर रहे हो ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो तो फिर जाकर के हम इसको छोड़े, वरना काटाई के साथ जैसे कौम ने कहा था कि मूसा आएंगे तो या तो दो बातें होंगी या तो हमारे काम को देख कर कोई इतना अच्छा काम या तो ये कहते अगर वो भी कहते गलत है तो पता कर लेंगे। आज कौम का कुछ ऐसा ही हाल जब उसे कहा जाता है तो कहते हैं कि अरे देख लेंगे आखिर में क्या होगा,
और यहाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ने हुजूर के जो इस मुजज़े का जिक्र किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और फरमाता है, वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक महबूब आपके अखलाक बहुत ही अजीम शान है, जिसने हमारे लिए हुजूर की पैरवी बेहतरीन नमूना है। वहां बनी इसराइल ने वो दो मुजज़े देखने के बाद भी, इतने अजीम मुजज़े देखने के बाद भी उस बछड़े को पूजा, और यहाँ मुसलमानों के सामने हुजूर का इतना बड़ा मुजज़ा अखलाक असमा मौजूद है, फिर भी मुसलमान यहूद नसारा की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी मुसलमान फैशन की तरफ जो बढ़ रहा है। वहां उन्होंने जैसे उन मुजज़े को बाहर कर दिया, इतना अजीम मुजज़ा देकर भी वो एक बछड़े को जो पूज में थे, और यहाँ मुसलमान हुजूर इस्लाम की वो मुबारक जिंदगी जिसकी तारीफ बंदा ने कुरान में फरमाई, वही का कलर उन की नसीब का खिताब अता फरमाया, नकद काल में पूरी रसूल सुन हसना कह करके उम्मत को दावत की, क्या करके इस अखलाक के इस नमूने के जो तुम इस नमूने की पैरवी करो। लेकिन आज हमने उस अखलाक के नमूने उस अखलाक के हसना के मुजज़े को छोड़ करके दुनिया के फैशन पर पारित हो चुके, कितनी अफसोस की बात है। तो जो काम बनी इसराइल ने किया, क्या हम कुछ उसकी तरह नहीं चल रहे? और फिर जो अजाब उस पर उतरा था, क्या आज वो अजाब फिर हम पर नहीं? हजरत अबू भी जिक्र आ गया है कि किस तरीके से उसकी गर्दन उड़ाएगी, आपस में हुक्म हुआ था, वो बात क्या गया है कि अगर एक दूसरे की गर्दन है खुद गर्दन, या मुसलमानों पर अल्लाह ने सारी हाथी को मुसलत कर रखा है, जगह जगह मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं, जब अपना अमल अल्लाह और रसूल की जिंदगी अंदर और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ना गुजारोगे, रसूल की जिंदगी के मुताबिक ना गुजारोगे, तो मुसीबत तो यकीन आ रही है। हम भी आजमाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ये वक्त है कि हमें आपके लिए सुन्नत की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुजज़ा रसूल का अखलाक है, दीगर मुजज़े तो सब अपनी जगह पर, लेकिन ये एक ऐसा मुजज़ा है कि जिसकी वजह से कई कुफार इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आए। हुजूर के अखलाक के असमा की कई मिसालें मौजूद है, हुजूर के अखलाक को देखकर, हुजूर की मुबारक जिंदगी को देख करके आज कई लोग इस्लाम में दाखिल होते चले आए। कई बातें आपने इस बारे में पढ़ चुकी है, सुन चुके, लेकिन आज हमने उसी से मुंह बोल रखा है। आज के हुजूर के नायकी को देख लो, आज के अंतरजियानी या किसान को देख लो कि जिन्होंने शरीयत की सख्ती से पैरवी की है, तो आज के अल्लाह ने उनके चेहरे में कोई नूर अता फरमाया है कि आए दिन कई गैर मुस्लिमों को देख करके मुसलमान हो जाते हैं, कलमा पढ़ कर बाद में इस्लाम हो जाते हैं। जो उनके नायकी होते हैं, जो सुन्नत पर अमल करते हैं, जो उनकी शरीयत पर सख्ती से अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनके उनमें भी ऐसी करामात को पैदा फरमा देता है, और उनके हाथ में भी ऐसे करामात को जब अल्लाह ताला जरूर करवाता है। तो लिहाजा जरूरत है कि मुसलमान इस चीज को समझे और सही मानों में अल्लाह के रसूल के फरामीन पर अमल किया हो। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सर चूंकि मसाइल का सिलसिला शुरू है और सजदा से मुताबिक जो है, तो पिछले जुमा में चंद मसाइल अर्ज हुए थे, आज भी समाज में मर्द के लिए सुन्नत यह है कि जब सजदा करे तो अपने दोनों बाजुओं कोहनियों रामों से जुदा रखे। बाज लोग जब सजदा करते हैं तो कोहनी राम से मिला देते हैं, ये खिलाफ सुन्नत, अपनी कोहनियों को अपने बाजुओं को अपनी रामों से जुदा रखे, और अपने पेट को अपने उसको भी जो है तो पेट से जो तो रामों को पेट को जुदा रखे। बाद लोग ऐसा सजदा करते हैं कि उनका पेट उनके राम से जाकर के मिल जाता है, तो ये भी सजदे का सही तरीका भी खिलाफ सुन्नत है। हर चीज जुदा जुदा हो, लिहाजा पेट को राम से और राम को पिंडलियों से, पिंडलियां जमीन से मिला दो, है ना, कोनिया और दोनों कलाएं जमीन पर बिछा दे। ये औरत के लिए, औरत जो है वो कैसे सजदा करेगी,
अपना पेट जमीन अपना पेट जो प्राण से मिलाते कि प्राण को पिंडियों से उसके जो पैर रखने का अंदाज भी मर्द की वजह से छुपा होगा, लेकिन मर्द जो है उसको जुदा जुदा रखे। इसी तरह दूसरी रकात के लिए सजदा से उठकर पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है। यानी जब खड़े हो तो घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो, मान लो तुम बीच बीच हाथ रखते हुए ऐसा खड़ा होते वो खिलाफे सुन्नत है। अगर कभी किसी को कोई गुस्सा हो तो बात अलग है। और सजदा में नजर जो है नाक की तरफ होनी चाहिए, हमारी जो नजर है वो सहारत सजदा में नाक की तरफ होना चाहिए। इन मसाइल को जहन करके और नमाज की इस्लाह की कोशिश करें। दुआ है तो गलती और बात कम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल लजम दुआ तो मिले ही ना इल्ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।